हाय, आज हम आपसे प्लेटफॉर्म बिजनेस और जोमेटो के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। प्लेटफॉर्म बिजनेस पूरी दुनिया में एक हैपनिंग बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस को अपने एक बड़े स्केल पे ले जाना बहुत ही आसान होता है। और प्लेटफॉर्म बिजनेसेस ने क्या धूम मचा रखी है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। साथ ही साथ इंडिया के में जितने भी प्लेटफॉर्म बिजनेस लिस्टेड हैं, उन कंपनियों के बारे में देखेंगे कि वो कंपनियां फाइनेंशियली कैसा कर रही हैं, अपने शेयर होल्डर्स के लिए किस तरह का रिटर्न भी दे रही हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं इक्विटी फंडा और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्लेटफॉर्म बिजनेस को लेके और जोमैटो के आईपीओ को लेके। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूएस के मार्केट में प्लेटफॉर्म बिजनेस किस तरह से फल फूल रहे हैं। तो वहां पे अगर हम देखें यूएस में, कि यूएस मार्केट में जो टॉप 10 कंपनीज हैं, उसमें अगर आप देखें तो 60-70% ऑफ द कंपनीज जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, या फिर कह लें कि प्लेटफॉर्म बिजनेस हैं, या ई कॉमर्स करती हुई बिजनेसेस हैं। जैसे आप देख लें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन, अल्फाबेट, फेसबुक, अलीबाबा, टेंसेंट, ये तमाम कंपनियां हैं जो कि टॉप 10 में आती हैं। और इन कंपनियों ने पूरी धूम मचा रखी है, अपने शेयर होल्डर्स को भी अच्छा रिटर्न दिया है, प्लस बिजनेसेस को भी एक अच्छे स्केल पर ले गए हैं। अब प्लेटफॉर्म जो बिजनेस है, अगर उसको समझेंगे तो वो बिजनेस एक डिसरप्टिव बिजनेस की तरह होता है, क्योंकि इस बिजनेस में जो एंटरप्रेन्योर है वो एक अलग तरीके से सेम बिजनेस को करने की क्षमता रखता है, इनोवेशन करता है। सबसे बड़ी चीज जो डूइंग बिजनेस में एक तरह का एक बड़ा इनोवेशन लाता है, जो कि कहने की एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको एक अलग तरह से करता है। वो अपने बिजनेसेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए नए नए चैनल्स की डिस्कवरी करता है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि प्लेटफॉर्म बिजनेस पे हैं, वो अपने कैपिटल को काफी एफिशिएंटली यूज करते हैं, अपने रिसोर्सेस को कह लें यूज करते हैं, और अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को भी बहुत ही एफिशिएंटली यूज करते हैं, और एक इस तरह से बिजनेस करते हैं जो कि हमने पहले कभी भी उस तरीके से बिजनेस होते हुए नहीं देखा है। और यही प्लेटफॉर्म का बिजनेस है। प्लेटफॉर्म का बिजनेस मतलब ऐसे कि लोगों को, सोसाइटीज में, समाज में सारे लोगों को इकट्ठा करके उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए उनको कुछ इंसेंटिव देना, और वो फिर जब वहां पर आते हैं तो अपनी जो उनकी फीलिंग है, कह लें कि इसमें दो तरह की चीजें हैं, यूजर इंटरफेस और दूसरी चीज हम कह लें कि यूजर एक्सपीरियंस। तो जब कभी भी आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हो और उस ऐप में एक जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस के पीछे चलने वाली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, कि हम जब कभी भी कोई चीज खोज रहे होते हैं तो वो चीज उसको कुकीज में रिकॉर्ड करता है, और जब कभी भी आप दोबारा उस साइट पे या कह लें उस ऐप पे आते हैं तो वो चीजें ही आपको वो दिखाता है। मैक्सिमम टाइम आपको देखेंगे वही चीजें दिखती हैं। तो ये होता है यूजर इंटरफेस, और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करके रखती है कंपनियां अपने ऐप में, कि आप किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप आते हो ऐप पे, जल्दी चले जाते हो, या ऐप पे आके आप जो चीज ढूंढने की कोशिश करते हो आपको आसानी से मिलती है। तो ये दो तरह से काम करता है, एक तो आपके एक्सपीरियंस को इन्हांस भी कर सकता है, दूसरी तरह से कंपनियों के लिए अगर कह लें तो कंपनियां जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके आपके लिए, मतलब कह लें कि कस्टमर के लिए कौन सी चीजें अच्छी हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, या आपको क्या चीज चाहिए जो कि आपको उस ऐप से जोड़ के रखेगा, वो सारी चीजें बैक एंड पे वो चीजें करते रहते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म का बिजनेस है, जो कि अदर वे ऑफ डूइंग बिजनेस जो कन्वेंशनली था वहां पर शायद हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप जब कभी भी मार्केट पे जाते हो, आप स्टोर में जाते हो, आप क्या चीजें देख रहे हो कह लें कि जो सेलर है उसको पता नहीं चलता है, और आपके मन में चीजें क्या हैं पता नहीं चलता है। प्लेटफॉर्म के बिजनेस में आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड रहती हैं, और कहने की सेलर को वो सारी चीजें पता रहती है कि आप क्या चीज चाहिए आप। तो ये एक प्लेटफॉर्म का बिजनेस है, जहां पर कि बिजनेसेस को काफी स्केल पर लेकर जाया जा सकता है, और एक बड़ा मुनाफा कंपनियां कमाती हैं इससे। इंडिया में जो लिस्टेड कंपनियां हैं कहने की B2B बिजनेस में, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान में आती है वो एक्सचेंजेस हैं हमारे, जो एक्सचेंज में NSE तो लिस्टेड नहीं है, BSE लिस्टेड है, और MCX एक एक्सचेंज है लिस्टेड है, जहां पर कि कहने की BSE में बहुत सारी कंपनियां आती हैं, उनके शेयर ट्रेड होते हैं, और इन्वेस्टर कह लें, हेजर कह लें, वो सारे लोग आते हैं और उसको ट्रेड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और MCX में उसी तरह कह लें कि कमोडिटीज हैं, जहां पर कि हेजर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स सारे लोग आते हैं और उस पर्टिकुलर कमोडिटीज को ट्रेड करते हैं। तो वो एक तरह का प्लेटफॉर्म है।
डिपॉजिटरी में अगर कह लें तो हाल ही फिलहाल में लिस्टेड CDSL है, और RTA में कह लें तो CAMS लिस्टेड है। जॉब पोर्टल है जो कि naukri.com है, InfoEdge के नाम से है, जो कि Zomato में कह लें कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन भी है, 18.5% कंपनी होल्ड करती है उसमें। उनका काफी इनोवेटिव जो प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कंपनियों को और कह लें कि जितने भी जो जॉब सीकर हैं उन सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देती है जहां पर कि वो एक दूसरे से मीट करते हैं और कंपनी वहां से अपनी रेवेन्यू गार्नर करती है। साथ ही साथ जो InfoEdge के पास जीवन साथी कह लें .com है, 99acres है, और बहुत सारी चीजें और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के हैं जो कि काफी इनोवेटिव हैं, जैसे कि पॉलिसी बाजार, पैसा.com, ये तमाम कंपनियों में कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है। वेडिंग पोर्टल कह लें तो वेडिंग पोर्टल में जो लिस्टेड है उसमें मैट्रिमोनी है। मैन पावर मैनेजमेंट की कंपनियां भी दो लिस्टेड हैं जिसमें कि SIS सिक्योरिटी है जो कि इंडिया में ही नहीं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों में भी है। टीम लीज बोल की जो कंपनी है वो भी लिस्टेड है जहां पर कि वो कंपनियों के जो कह लें कि लोगों को हायर करते हैं, थर्ड पार्टी जो पीपल को हायर करते हैं। B2C अगर देखें जो यहाँ पे ई कॉमर्स और ट्रैवल जो बिजनेस में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उसमें जो पहला ध्यान आता है वो IRCTC का बिजनेस है, एक PSU है, लेकिन इसके भी बिजनेस मॉडल काफी एक्साइटिंग है और ये भी कंपनी के बिजनेस को काफी स्केल मिल सकने की उम्मीद है। इज माई ट्रिप जो कि अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुआ है, दोगुना हो चुके हैं आप प्राइस इसके, और अगर आप देखेंगे तो इनके जो कॉम्पिटिटर हैं जो कि मेक माई ट्रिप है जो कि US में लिस्टेड है वो प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर कंपनी अपने इस प्लेटफॉर्म को काफी अच्छी एफिशिएंटली यूज करते हुए रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी दिया है और डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। जस्ट डायल की अगर बात कर लें तो वो भी जो है B2C एक ई कॉमर्स बिजनेस है जहां पर कि लोगों को, कंपनियों को और लोगों को जोड़ती है और एक दूसरे से कह लें कि एक मीटिंग साइट है जहां पर कि इस पोर्टल पे होती है। B2B वेंडर डिस्कवरी जो है वो भी एक नई लिस्टिंग कंपनी है जिसमें कि इंडिया मार्ट इंटरमेस है, जिसमें कि कह लें कि पिछले दिनों से काफी अच्छी जो है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है कंपनी की, और कंपनी ने जो जो कि इनके प्लेटफॉर्म पे जितने वेंडर हैं उनसे कंपनी फीस भी लेती है, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि अमेजोन जो कंपनी की US में लिस्टेड है उसने जब से प्राइम के रूप में लोगों से फी चार्ज करना चालू किया था तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कह लें कि एक हेवे डिफरेंस आ चुका था। अब दूसरी कंपनी जो कि हम कह लें कि हाल फिलहाल में रिलायंस रिटेल जो कि जियो मार्ट में आया है वो भी एक कंपनी है, और दो सेक्टर्स हैं जो कि जिसको कि हम अभी देख रहे हैं कि ये कंपनियां या ये सेक्टर जो है ये कह लें कि इसमें प्लेटफॉर्म बिजनेस पे तो हैं, एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं लेकिन अभी तक वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। पहला उसमें बैंक्स हैं, क्योंकि बैंक्स में अगर देखेंगे तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उनसे पैसा उधार लेते हैं और जितने सेवर्स हैं वो उनको पैसा देते हैं, तो एक तरह का प्लेटफॉर्म सेवर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है जहां से कि वो कह लें कि एसेट एक्सचेंज करते हैं, और वैल्यू एडिशंस अभी तक नहीं देखा जा रहा है। और हम यही देखते हैं कि इसमें जो अदर इनकम पोर्शन है जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में वो कितना ज्यादा कंपनियां कर लेती हैं, अगर इस चीज को स्केल पे ले जा सके तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बिजनेस हो सकता है। दूसरी चीज अगर हम देखें कि टेलीकॉम कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियों के बारे में भी ऐसा कहा जाता है क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी, अगर आप कोई फोन यूज कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वो इंटरनेट प्रोवाइडर कौन है, जिस कंपनी का भी सर्विस आप ले रहे हैं, आप चाहे जियो का ले रहे हैं, चाहे भारती की ले रहे हैं, चाहे आप आइडिया की ले रहे हैं, तो वो सारी कंपनियां जो हैं आपको प्रोवाइड करती हैं लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रही है ये कंपनी, और जिसके कारण सबसे बड़ी समस्या इस सेक्टर में हो रही है कि दूसरे जितने भी ऐप हैं, अगर आप समझो कि इनका इंटरनेट यूज करते हो और ऐप आप Zomato का, स्विगी का या Uber का डाउनलोड करते हो और वैल्यू वो लेके जाती हैं, ये कंपनियां उस तरह का कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर पाई जिसके कारण कि मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हो पाया और कैपिटल इंटेंसिव काफी ज्यादा है। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में अगर ये कंपनियां वैल्यू एडिशन करती हैं तो एक बहुत बड़ा यू चेंज हो सकता है इन कंपनियों में। अब जो लिस्टेड कंपनियां हैं BSE और NSE पे, और उसमें देखें कि सबसे पहले हमको ध्यान जो आता है वो एक्सचेंज की कंपनियां हैं जो कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मार्केट कैप उसमें 4,400 करोड़ के करीब है
और प्रॉफिट 145 करोड़ कमाती है और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा कम है, लेकिन एक साल में कंपनी में रिटर्न काफी अच्छे छोड़े हैं। एमसीएक्स भी सिमिलरली है, उसमें एमसीएक्स कह लें कि एमसीएक्स की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी से बीएससी से अच्छी है, 16% का आरओई है, 19% के करीब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 225 करोड़ रुपया कंपनी ने लास्ट ईयर कमाए हैं। और वहीं पर सीडीएसएल है जो कि डिपॉजिटरी है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडियरी कंपनी है, जहां पर कि 11,000 करोड़ के करीब मार्केट कैप हो चुका है इनकी कंपनी का, जो कि बीएससी का 4400 करोड़ का है। अब उस कंपनी में 200 करोड़ रुपए कमाए हैं लास्ट ईयर। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखेंगे तो 25% की है और 32% के करीब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 262% का रिटर्न एक साल में कंपनी ने दिया है। कैम्स 14,000 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप, और वहीं पर कैम्स में अगर रिटर्न रेशियोज को देखेंगे तो 44% रिटर्न रेशियोज हैं आरओई और 57% के करीब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कंपनी हाल फिलहाल में लिस्टेड हुई है और वहां से उसके प्राइस दोगुना हो चुके हैं ऑलरेडी। इन्फोएज जो कि काफी सुर्खियों में रहा है जोमैटो के आईपीओ के कारण, और उसमें सबसे बड़ा मार्केट कैप आज के इंडिया में जो भी लिस्टेड कंपनी है उसमें इन्फोएज मतलब नौकरी में है। क्यों है ऐसा, उसके बारे में हम बात करें तो उसमें चूंकि कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड कह लें कि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो काफी डाइवर्सिफिकेशन है, उसमें नौकरी तो देते ही हैं लोगों को ये। दूसरी चीज जैसा मैंने पहले कहा कि जीवनसाथी.com, 99acres.com जो कि रियल एस्टेट बिजनेस करती है, उसके बाद शिक्षा है इनका एक पोर्टल, और दूसरी जो चीज जो जहां पर इनका इन्वेस्टमेंट है एक हैवी इन्वेस्टमेंट, चूंकि ये कंपनी इन्फोएज ने जोमैटो में बहुत ही अर्ली स्टेज पे इन्वेस्टमेंट किया था और अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना कर चुके हैं, 77 टाइम्स इनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो हुआ जोमैटो में हुआ है। और ये जो इनके प्रमोटर हैं संजीव वीक्षिंदानी, उनका जो नजरिया है या उनकी जो पकड़ है प्लेटफॉर्म बिजनेस पे बहुत ही अच्छी है, जिसके कारण उन्होंने काफी अर्ली स्टेज पे जोमैटो को पकड़ा था। उसके कारण कंपनी के पास बहुत सारे प्लेटर हैं, कह लें पॉलिसी बाजार में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है इनका, पैसा.com में है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां पूरी फेहरिस्त है जिसमें कि कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है। इसी के कारण इसका मार्केट कैप 69,000 करोड़ के करीब है, और कह लें कि इसके रिटर्न रेशियो अभी उतने अच्छे नहीं है क्योंकि पैंडेमिक गया और कंपनियां जो है अभी काफी अर्ली स्टेज पे है। मैट्रिमोनी दूसरी कंपनी है जो कि लिस्टेड है, जो कि एक कह लें कि वेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और ये जितनी भी कंपनियां आपके सामने आप देख रहे हो सारी प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, सारी कंपनियां प्रॉफिट पोस्ट कर रही हैं। मैट्रिमोनी में अगर देखें तो 41 करोड़ की प्रॉफिट है, रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हैं 16 और 19 हैं, और टीम लीज एसआईएस और टीम लीज की अगर बात कर लें तो वहां पर एसआईएस थोड़ी बड़ी कंपनी है, 6971 करोड़ का मार्केट कैप है और टीम लीज का 6400 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है। रिटर्न रेशियोज में आए तो एसआईएस का मार्केट जो है काफी अच्छा है, और चूंकि उनका बाहर में भी बिजनेस है और उनके रिटर्न रेशियोज काफी सुपीरियर है, 35% आरओई है और 30% के करीब का उनका आरओसी है, टीम लीज में 13 और 14 है। वहीं पर आईएसईटीसी के बिजनेस को अगर देखें तो 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी जो कमाया है जो कि लास्ट ईयर में 261 करोड़ है, पैंडेमिक के कारण कंपनी का काफी कमाई गिरी है, लेकिन अगर पैंडेमिक जैसे खुलेगा तो सारी ट्रेनिंग चलेंगी और इनको कमाई इनकी बढ़ेगी, और रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है जो कि सप्रेस थे वैल्यूएशन, और आरओसी भी कंपनी का कम है क्योंकि इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट कम आए थे। इज माई ट्रिप जो कि काफी हैपनिंग कंपनी है, प्राइस डबल हो चुके हैं लिस्टिंग के बाद और उसका मार्केट कैप 4,700 करोड़ के करीब है, जो कि इनका कॉम्पिटिटर है मेक माई ट्रिप, यूएस में लिस्टेड है, प्रॉफिटेबल नहीं है अभी भी कंपनी वो कॉम्पिटिटर, और ये कंपनी सरप्राइजिंगली प्रॉफिट में है, 85 करोड़ रुपए जो है इन्होंने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, और इनका आरओई अगर देखें तो 46% के करीब आरओई है, आरओसी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 65% के, माइंड बॉगलिंग है ये, और 2 times के करीब लिस्टिंग के बाद कंपनी में के स्टॉक प्राइस में गेन हुआ है। जस्ट डायल सिमिलर एक कंपनी है जहां पे 6900 करोड़ का मार्केट कैप है, 16% के करीब की जो है इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है, 20% के आसपास करीब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और 214 करोड़ रुपया कंपनी ने कमाए हैं। इंडियामार्ट निवेश जो है इंटरमेस जो है उसमें 22,400 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है, 280 करोड़ कंपनी ने लास्ट ईयर जो प्रॉफिट पोस्ट की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के करीब है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39% के करीब है। तो ये सारी कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं जो कि लिस्टेड हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे।
तो चलिए अब चलते हैं कि जोमैटो का जो आईपीओ है उसमें जो क्या कह लें अपॉर्चुनिटी हो सकती है और क्या टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है इंडिया में है। तो एक रेड सियर की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो फूड कंजम्पशन इंडिया में करीब करीब 670 बिलियन का मार्केट है पूरे इंडिया में और पर एनम का कह लें, और उसमें केवल और केवल 10% जो है लोग जो है रेस्टोरेंट पे जो कि कह लें कि खर्च करते हैं, और रेस्ट ऑफ दी जो 90% है वो लोग होम कुक फूड पे जो है कह लें कि खर्च करते हैं। अब फूड सर्विसेज अपॉर्चुनिटी जो इंडिया में वो 65 बिलियन के करीब है जो कि फेयरली लार्ज है एक, और मार्केट जो है 9% जो कि कह लें कि फूड डिलीवरी मार्केट 9% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है, और मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 110 बिलियन का मार्केट 2025 जाते जाते हो जाएगा। और इंडिया के मार्केट काफी जो है कह लें अंडर पेनिट्रेटेड है विज़ विद अदर मार्केट, कह लें चाइना और यूएस से अगर कंपेयर करें तो हमारा मार्केट जो है बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है, और इसीलिए अपॉर्चुनिटी यहां पर ज्यादा हो सकती है। अब इंडिया यूएस चाइना के मार्केट को अगर देख लें और उसको कंपेयर करें, जैसा कि हम डीएचआरपी में कंपनी बताती है कि जो पॉपुलेशन वाइज इंडिया की जो है 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, यूएस में 33 करोड़ की पॉपुलेशन है और चाइना में 144 करोड़ की पॉपुलेशन है, और एक्सेस टू इंटरनेट, क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस जो ऐसा बिजनेस है जहां पर कि एक्सेस टू इंटरनेट बहुत ही जरूरी चीज है, और उसमें 49% के करीब टोटल आबादी का एक्सेस टू इंटरनेट इंडिया में है 2020 का ये डेटा है, जिसमें कि यूएस में 94% है और वहीं पर चाइना में 68% के करीब है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो मार्केट है बहुत ही मीगर है, बहुत ही छोटा है, 2.9 बिलियन यूएस डॉलर का है इंडिया में, वहीं पर अगर हम देखें यूएस में 49 बिलियन डॉलर का है, और चाइना का कह लें कि मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चाइना का मार्केट है 110 बिलियन का है, और रेस्टोरेंट फूड कंजम्पशन जो उसमें पोर्शन है उसमें 8-9% इंडिया में है, 47-50% यूएस का मार्केट है और 42-45% चाइना का मार्केट है। अब इंडिया और चाइना यूएस में इतना अंतर क्यों है, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन, हमारी कहने की वर्किंग पॉपुलेशन में जो कि मिक्स है मैन एंड वुमेन का, तो इंडिया में वुमेन वर्किंग इन कंपैरिजन टू चाइना और यूएस कम है। इवन देन जो कि कहने की चाइना और यूएस को हम अगर कंपेयर करें तो चाइना में फिर भी बहुत ज्यादा वर्किंग जो लोग हैं वो वुमेन हैं, और इसीलिए शायद वो वहां पर लोग ज्यादा बाहर में खाना खाना पसंद करते हैं, या उनको ऐसा टाइम नहीं है कि घर पे खाना बनाया जाए और वो रेस्टोरेंट से या कह लें फूड डिलीवरी के थ्रू ऑर्डर करते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी यूजर्स जो इंडिया में हैं वो तकरीबन 5 से 5.5 करोड़ के करीब हैं 2020 में, जो कि कह लें कि, और ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो है 8% के करीब है। अगर यूएस की बात कर लें तो वहां पर 10 करोड़ से लेकर 12.5 करोड़ का जो है फूड डिलीवरी ऑनलाइन यूजर्स हैं, और 38% कह लें कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी वहां पर होती है, और 50 करोड़ से 55 करोड़ अब देखिए कहां से, 10 करोड़ यूएस में तो 50 करोड़ के करीब करीब जो है चाइना में है, 50 से 55 करोड़ के करीब लोग हैं जो कि फूड डिलीवरी यूजर्स हैं ऑनलाइन से जो खाना मंगाते हैं, और उसमें 53% ऑनलाइन फूड डिलीवरी यूजर्स जो है एक्सेस उनको इंटरनेट का है। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमारे सामने जोमैटो का आईपीओ है, और हम उस कंपनी के बारे में अब जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी कैसे, कहां से उसकी जर्नी चालू हुई और अभी कहां तक है। तो 2008 में दो जो कह लें कि यंग माइंड या यंग ब्रेन कह लें, उन्होंने इस कंपनी को जो एस्टैब्लिश किया था उसमें दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा जो हैं, इन्होंने फूडी बे के नाम की एक कंपनी बनाई थी 2008 में, और बाद में धीरे धीरे उस कंपनी का नाम चेंज होकर जोमैटो हो गया। कंपनी का 2011 में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनल रेज किया, फंड रेज किया, उसके 2012 में कंपनी जो है इंस्टीट्यूशन से फंड रेज करने के बाद अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन चालू किया कंपनी ने, और 2013 में उन्होंने ब्राजील, न्यूजीलैंड और टर्की में भी ऑपरेशन चालू किए। 2015 कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि उसमें कंपनी ने काफी ज्यादा एक्विजिशन किए हैं फॉरेन में, और साथ ही साथ इंडिया में डिलीवरी लॉन्च की, जो फूड डिलीवरी था ये उन्होंने पहले यहाँ पे इंडिया में लॉन्च किया। इसके पहले जो था कि उनका जो प्लेटफॉर्म था वो केवल आप कह लें कि आपको अगर कह लें कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाना है, उनके क्या मेन्यू हैं, क्या एड्रेस है रेस्टोरेंट, आपके आसपास कौन से रेस्टोरेंट हैं, केवल वो इन्फॉर्मेशन थी। अब लेकिन इन्फॉर्मेशन में चेंजेज आए, एक यू चेंज आया कंपनी के बिजनेस पॉलिसीज में, और कंपनी अब फूड डिलीवरी चालू किया 2015 में, और टेबल रिजर्वेशन भी कंपनी ने चालू किया 2016 में, और कंपनी का जो कस्टमर मेंबरशिप प्रोग्राम है ये जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था कंपनी का, जो कि पहले जोमैटो गोल्ड के नाम से था, अब जोमैटो प्रो के नाम से है, वो कंपनी ने चालू किया 2017 में। 2020 में कंपनी का एक काफी बड़ा एक्विजिशन हुआ उबर ईट्स का,
और इसके बाद कंपनी अब जो है 2021 में आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी के ऑपरेशंस पूरी दुनिया में हम देखेंगे तो 24 कंट्री में है करीब करीब इंडिया को लेके, और कंपनी का एक्सपेंशन जो है काफी ज्यादा ज्योग्राफिकल इन दिनों हुआ है। फाइनेंशियल जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंटर्स होते हैं जब कभी भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी जितनी भी हैपनिंग स्पेस या एक्साइटिंग स्पेस में हो लेकिन उसके फाइनेंशियल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेकर जो 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2021 के डेटा कंपनी ने दिए हैं, उसमें जो कि हर प्लेटफॉर्म बिजनेस का एक एक अलग अलग यूनिट होते हैं, कि हम उस यूनिट लेवल पे किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका एवरेज मंथली यूजर्स जो है वो कितने हैं। तो 2018 में करीब करीब 1,38,00,000 लोग थे इनके प्लेटफॉर्म पे, जो कि 2019 में बढ़कर 2,93,00,000 हुए और 2020 आते आते 4,15,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। जो जुड़े भी हैं और एक्टिव यूजर्स कह रहे हैं 9 महीने का जो डेटा है उसमें 2.96 करोड़ लोग ही हैं, क्योंकि पैंडमिक जैसे सिचुएशंस में इनके बिजनेसेस पे थोड़े रिस्क होते हैं, और उस रिस्क के चलते क्योंकि लोग रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहते हैं या वहां से लोग, क्योंकि एक डिलीवरी आती है, एक कोई बंदा आता है आपके घर पे डिलीवर करता है, तो बहुत लोगों का एप्रिहेंशन होता है कि कोविड जो कि ये एक कहने की महामारी है और उसमें कोविड फैलने का डर है, उसके कारण एक्टिव मंथली यूजर्स में थोड़ी कमी देखी गई है। लेकिन चूंकि अब अनलॉक है तो सारी चीजें फिर से पटरी पे लौट सकती हैं। एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं उसमें भी काफी फिनोमिनल ग्रोथ हुआ है, कह लें कि 0.9 मिलियन थे और वहां से बढ़कर तकरीबन 56,00,000 के करीब हुए 2019 में, और 1,07,00,000 के करीब जो है डेटा आ रहा है फाइनेंशियल 20 में, और 9 मंथ्स के जो डेटा है उसमें 58,00,000 हैं, चूंकि जैसा मैंने बताया कि पैंडेमिक में चीजें थोड़ी कम हुई हैं। अब कंपनी ने कितने रेस्टोरेंट अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ रखे हैं, तो 2018 में 33,000 के करीब थे, जो कि बढ़कर 2020 आते आते कंपनी के पास 1,43,000 के करीब करीब रेस्टोरेंट इन्होंने जोड़े थे, और 9 मंथ्स की अगर बात कर लें तो वहां पर 1,32,000 के करीब करीब रेस्टोरेंट जुड़े हैं। ग्रॉस ऑर्डर जो वैल्यू है इनका वो कह लें कि 1,300 करोड़ के करीब था फाइनेंशियल 18 में, 2020 में उसमें 11,200 करोड़ के करीब ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू आया कंपनी का, और 9 महीने में अगर देखा जाए तो 6,170 करोड़ के करीब ग्रॉस हैं। रेवेन्यूज की अब बात करें, अब कंपनी की रेवेन्यूज कितनी है, तो उसमें 4.9 कहने की रुपीज बिलियन, मतलब 490 करोड़ का रेवेन्यू था इनका 2018 में, वहां से बढ़कर 2740 करोड़ रेवेन्यू हुआ है फाइनेंशियल 20 में, और 1,370 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी को कहने की 9 मंथ्स फाइनेंशियल 20 में। एडजस्टेड एबिटा, कंपनी अभी भी कैश बर्न कर रही है, और कंपनी का एडजस्टेड एबिटा अगर कह लें तो वो अभी भी जो कि 200 करोड़ रुपए के करीब माइनस है, जो कि लास्ट ईयर की अगर हम बात कर लें तो वहां पर 2210 करोड़ के करीब माइनस था। एक एक्सपोनेंशियल जो कह लें कि सुधार, इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कि कंपनी ने एबिटा जो है बहुत ही कम माइनस रह चुका है, मतलब कंपनी अब शायद ब्रेक इवन के पास जा रही है। जोमेटो जो बिजनेस करती है उसमें अगर देख लें तो दो बेसिकली सेगमेंट है इनका, एक B2C बिजनेस है और दूसरा बिजनेस B2B बिजनेस है। अब B2C मतलब बिजनेस टू क्लाइंट। अब इसमें क्या करते हैं कंपनियां कि फूड डिलीवरी है इनका, एक डाइनिंग आउट अगर आप करने जाते हैं वो बिजनेस है, और जोमेटो प्रो का जो एक मेंबरशिप बिजनेस है इनका। B2B बिजनेस जो इनका हाइपर प्योर बिजनेस के नाम से है, उस बिजनेस में कंपनी क्या करती है कि कह लें कि जिस भी लोगों को या जिस भी रेस्टोरेंट को इन्होंने ऐड किया है उन्हीं रेस्टोरेंट को रॉ मटेरियल्स कंपनी प्रोवाइड करती है, मतलब जहां से वो खाने लेके आती है उन्हीं को जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, ताकि वो अच्छे खाना बना सके, और कंपनी उनको उन पे एश्योर्ड भी करती है। उनके प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाएंगे तो वो एक एश्योरेंस की भी गारंटी देती है कि ये खाना अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने इसके रॉ मटेरियल सप्लाई किए हैं। अब कंपनी के जो चार वर्टिकल्स हैं, चार वर्टिकल्स में हम देखेंगे रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या क्या हैं। तो उसमें जो है रेवेन्यू ड्राइवर्स में जो पहला फूड डिलीवरी सेगमेंट है, उसमें जो मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं उनके एक रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार कौन ऑर्डर कर रहा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर कम है या बेसी है ये भी एक ड्राइवर है, और कमीशन चार्ज टू रेस्टोरेंट, कितना कमीशन वो अपने रेस्टोरेंट को चार्ज करते हैं, और रेस्टोरेंट जो है पेइंग फॉर डिलीवरी एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रोडक्ट के का इनका एक जो चीज है वो बेचते हैं उनको, तो उसमें वो उनका एक रेवेन्यू ड्राइवर है।
और डाइनिंग आउट करने आप अगर जाते हैं और कोई रेस्टोरेंट बुक करते हैं तो उसमें मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं वो इनका रेवेन्यू ड्राइवर है, प्लस रेस्टोरेंट पार्टनर्स जो है इनको डिलीवरी एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रोडक्ट जो देते हैं वो कितना है, और बी टू बी जो सप्लाई हाइपर प्योर जो है जो कि अपने ही रेस्टोरेंट्स को जितने भी इनके प्लेटफॉर्म पे हैं उनको जो देते हैं उसमें जो रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं वो रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं कि कितने रेस्टोरेंट पार्टनर्स इसमें ऐड होंगे वो है, और वैल्यू सप्लाईज पर ऑर्डर कितना वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं ये और ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा हो रही है वो रेवेन्यू ड्राइवर है, और जोमेटो प्रो जो है वो मेंबरशिप फीस है, वो मेंबरशिप फीस कितना अमाउंट का है वो अमाउंट घटता बढ़ता है तो वो उनका एक उनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करता है, और प्रो मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे उस पर भी की ड्राइवर्स हैं। अब जब भी बिजनेस करती है कंपनी तो एक रेवेन्यू ड्राइवर और एक कॉस्ट ड्राइवर होते हैं, कॉस्ट ड्राइवर में अगर देखेंगे तो जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उसके कॉस्ट ड्राइवर में उनकी डिलीवरी कॉस्ट एक बहुत बड़ा मतलब पोर्शन है इनका, और डिस्काउंट्स और मार्केटिंग जो स्पेंड है कंपनी की कि कितना डिस्काउंट ऑफर करते हैं प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और आपको सेल्स जो है बेचने के लिए आपको कोई भी मर्केंटाइज, और डाइनिंग आउट में उनकी सेल्स टीम का जो एक कॉस्ट ड्राइवर है, और बी टू बी जो सप्लायर हाइपर प्योर है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो उनका एक कॉस्ट ड्राइवर है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ते हैं तो उसमें जो है उनका कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम या बेसी हो जाता है, और जोमेटो प्रो है वो सबसे बड़ी चीज उनके कि मार्केटिंग स्पेंड कितनी कंपनी कर। अब कंपनी के बारे में हम अगर देखेंगे तो सबसे पहली चीज हमने रेवेन्यू देख लिया, सारी चीजें देख ली, अब यूनिट वैल्यू पे मतलब एक ऑर्डर है उसकी क्या डायनामिक्स है उसकी क्या स्टैटिस्टिक्स है उसको अगर हम समझेंगे तो हमको पूरी चीज समझ में आएगी कंपनी कैसे जो है मूव कर रही है और कैसे उनका एबिटा इतना कम हुआ है लॉस में जो कि 2200 करोड़ था वहां से 200 करोड़ कैसे हुआ है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि फिस्कल जो ईयर था 2020 उसमें यूनिट की जो इकोनॉमिक्स थी वो कैसे थी कि इनका जो 43.60 रुपए जो लगता था इनका वो इनकम था इनका कमीशन एंड अदर चार्जेस पर ऑर्डर पे की बात कर रहा हूं मैं, और 15.30 रुपए की अगर बात करूं तो कस्टमर डिलीवरी चार्जेस ये चार्ज करते थे, और अब खर्चे की बात करें कि उसमें खर्चा क्या होता था तो 52 रुपए ये खर्चा इनका डिलीवरी का कॉस्ट था, और डिस्काउंट से 21.70 रुपए देते थे और 15.70 रुपए अदर वेरिएबल चार्जेस थे, टोटल मिलाकर इनका कह लें कि उस समय लॉस आता था 30.50 रुपए पर ऑर्डर पे, तो इनकम कितनी हुई 58.90 रुपए और जो एक्सपेंडिचर हुआ इनका 89.40 रुपए के करीब, टोटल लॉस 30.50 रुपए। 2021 में काफी यू चेंजेस हुए हैं, अब देखिए कि कमीशन एंड अदर चार्जेस जो कि 43.60 रुपए थे वो बढ़कर 62.80 रुपए हो गए हैं, वहीं पर कस्टमर डिलीवरी चार्जेस भी कंपनी ने 15 रुपए से बढ़ाकर 27 रुपए के करीब कर दिया, एक्सपोनेंशियल मतलब काफी अच्छा जंप है इसमें, और उसके बाद डिलीवरी कॉस्ट जो कि पिछले साल जो है कि 52 रुपए थी कॉस्ट था उनका वो 45.70 रुपए हुआ था, डिलीवरी कॉस्ट में एक कमी आई है। दूसरी डिस्काउंट्स जो कि पहले ज्यादा मिलता था, आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे जब जब कभी भी आप जोमेटो या स्विगी के ऐप पे जाते होंगे तो डिस्काउंट्स इन दिनों कम हुए हैं पैंडेमिक में, और जो कि डिस्काउंट्स 21.70 रुपए थे वो 8.30 रुपए हैं, अदर वेरिएबल्स कॉस्ट 15.70 रुपए था वहां पर मामूली सी कमी 15.30 रुपए है। अब इनका जो प्रॉफिट और लॉस है अगर देखें तो खर्चा कितना है, टोटल खर्चा 2021 में 89.80 रुपए है इनकम है, और खर्चा एक्सपेंडिचर 69.30 रुपए है, तो 20.50 रुपए का इनका पर ऑर्डर पे प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी में ये एक सब्सटेंशियल जंप देखने को मिला है, और कह लें कि ये एक लाइट इन दी टनल कह लें कंपनी ने में दिख रहा है। कंपनी की शेयर होल्डिंग्स के बारे में देखेंगे तो उस कंपनी में 95.8% एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस उसमें पब्लिक थी, और नॉन प्रमोटर्स एंड नॉन पब्लिक में 4.2% लोग हैं, और कह लें कि 4.2% जो है वो शेयर हेल्ड बाय एम्प्लॉय ट्रस्ट के पास है, तो ये इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर देखेंगे तो प्रमोटर ग्रुप में ऐसा जैसा मैंने बताया कि कोई क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन इन्फोएज जो कि एक लार्ज चंक का इन्वेस्टमेंट था हिस्टोरिकल और करेंट में अगर देख लें तो इन्फोएज में 2019 में 27.5% था, 2020 में 24% और अभी 18.6% के करीब इन्फो एज का इसमें स्टेक है। दीपेंद्र गोयल जो कि फाउंडर हैं इसके उनके पास उनकी भी शेयर होल्डिंग घटी है 9.1% से लेके मौजूदा अभी 5.5% है। दूसरे जो इनके फाउंडर थे हैं जो कि पंकज चड्ढा उनका 2.1% 2019 में था जो कि अभी उनका कोई भी होल्डिंग कंपनी में नहीं है। हमारे सामने जो
जो तस्वीर दिखती है उसमें जो एवरेज एमओयू है वो जोमेटो का कहना है इंडिया में, और इंडिया में दो ही कंपनियां हैं जोमेटो और स्विगी, उन्होंने डुओपोली मार्केट है एक तरह से, और उसमें 32 जो है इन मिलियंस नंबर हैं ये सारे, तो उसमें 32 जोमेटो का है, स्विगी का 29 है, और एवरेज एमटीयू की बात करें तो 7 है जोमेटो का और स्विगी का 6 है। एक्टिव एफडीएस रेस्टोरेंट्स जो हैं एडिशंस स्विगी के ज़्यादा हैं, 1,60,000 के करीब हैं, और जोमेटो में 1,48,000 हैं। नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं 1,69,000 जोमेटो के पास हैं और 60,000 केवल स्विगी के पास हैं। नंबर ऑफ सिटीज जो कनेक्टिविटी है उसमें 526 कह लें कि जोमेटो के पास हैं और 520 के करीब स्विगी के पास हैं। तो 2024-21 से लेके 24 तक का हम जो देख रहे हैं मतलब फॉरवर्ड लुकिंग है उसमें, और कह लें कि उसमें जो ईवी टू सेल्स नंबर हम जो काफी इंपॉर्टेंट देखते हैं वो तकरीबन 5 के करीब है जोमेटो का, जो कि काफी हाई है क्योंकि सेल्स जो है इतना ज्यादा जंप हम देख रहे हैं, इसलिए ईवी टू सेल्स नंबर्स आपको कम देख रहे हैं। लेकिन अगर करंट हम ईवी टू सेल्स देखेंगे तो वो 22 के करीब है, तो करंट अगर मार्केट पे हम सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे तो लगेगा काफी महंगा है, लेकिन हम 2024 तक की अगर बात कर लें वहां पर देख रहे हैं तो हमको सस्ता दिख रहा है अपने ग्लोबल पीयर्स के साथ, अगर हम डिलीवरी हीरो या चाइना में जो म्यूटन वायमी है उससे, या takeaway.com की बात कर लें, या ग्रब हब, डिलीवरू या डूरदास की बात कर लें, इन सारे लोगों से। जोमेटो की अब हम अगर देखेंगे तो क्यों हाईएस्ट लेवल पे पैक्ड है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि रेवेन्यू काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल लग रहा है, बढ़ सकता है, पेनिट्रेशन लेवल इंडिया में बहुत कम है और यहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन में वुमेन्स फोर्सेस कम है, धीरे धीरे वो ज्यादा होंगी, लोगों की कमाई बढ़ेगी, तो ये सारी चीजें लग रहा है कि अच्छी तरह होंगी। अब कंपनी का जो बुक वैल्यू पर शेयर है फाइनेंशियल 21 में 10.30 रुपए का है, जो कि 22 रुपए तक 2024 में होने की उम्मीद है, और कहने की रिटर्न ऑन इक्विटी अभी तक तो माइनस है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही तो माइनस है, लेकिन 2024 में मामूली सा ऊपर रहेगा 2.7% के करीब। वैल्यूएशन रेशियो में अगर हम बात कर लें तो चूंकि पी रेशियो कंपनी लॉस में है तो लॉस में माइनस पी है, लेकिन 2024 में भी पी रेशियो काफी हाई होगा कंपनी का, 123 के करीब देख रहे हैं। कंपनी का प्लेटफॉर्म बिजनेस है मतलब इसमें केपेक्स में पैसा नहीं डालना पड़ता है ज्यादा, इसीलिए कंपनी के पास डेट नहीं है, तो ऑलमोस्ट डेट कंपनी डेट फ्री है। अब इसी डिटेल के बारे में हम बात कर लें कि इशू जो है वो 14 तारीख से खुल रहा है, 16 जुलाई तक रहेगा, 14 जुलाई से 16 जुलाई। फेस वैल्यू 1 रुपए का शेयर है, प्राइस बैंड 72 रुपए से 76 रुपए के बीच में है, 195 रुपए का मिनिमम मार्केट लॉट साइज है जहां पर की आपको एप्लीकेशन करना हो सकता है, और जो फ्रेश इशू कंपनी करेगी जिसमें कि जो कि 9,375 करोड़ का टोटल इशू है, 9,000 करोड़ रुपए कंपनी जो है फ्रेश इशू करके लाएगी, जो कि कंपनी के पास जाएंगे पैसा, और ऑफर फॉर सेल जिसमें कि info.naukri.com अपना जो स्टेक बेच रही है उसको 375 करोड़ रुपए मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑफर्ड हैं वो 123 करोड़ के करीब शेयर हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू में अगर देखें तो 9000 करोड़ कंपनी के पास आएगा, उसमें से 6,750 करोड़ के करीब कंपनी बता रही है कि वो फंडिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स में लेगी। अब चूंकि कहने की इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ है वो सेम सेक्टर में अगर देख लें तो स्विगी है, जो कि शायद संभव नहीं होगा कि ये लोग स्विगी को लें या वो कंपनी इनके साथ मर्ज करे, वो लगता तो नहीं है, लेकिन कंपनी ने हाल फिलहाल में ये लगता है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ और एक डिफरेंट सेक्टर में, कोर सेक्टर में नहीं, कोई एक डिफरेंट सेक्टर में शायद कर रहे हैं। कंपनी ने हाल फिलहाल में एक न्यूज आया था कंपनी में कि कंपनी ग्रोफर्स में 10% के करीब अपना स्टेक लेगी, तो शायद जो है एक कहने की रिलेटेड बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट सेक्टर में है और उसमें स्टेक ले रही है, शायद ये पैसे वो उसको एक्विजिशन में कंज्यूम करे और फिर उसके बाद जो पैसा बचता है तो वो जनरल पर्पसेस में कंपनी यूज करेगी। अब की रिस्क क्या हो सकते हैं सिस्टम पे, तो सबसे बड़ी चीज कि ये जो सेक्टर है कहने की फूड डिलीवरी सेक्टर, इसमें दो कंपनियां हैं, डुओपोली मार्केट है, और कंपनी में इस तरह के मार्केट को क्रिएट करने के लिए या इस तरह के बिजनेस को क्रिएट करने के लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती है, तो ये ग्लोबल पीयर्स जो भी इनके हैं चाइना में जो हैं या फिर यूएस में हैं उनसे एक थ्रेट हो सकता है कि अगर वो कंपनियां सोचे कि इंडिया में ये बिजनेस किया जाए तो ये इनके लिए एक की थ्रेट हो सकता है। दूसरा जो की थ्रेट है इनके लिए कि COVID-19 सिचुएशंस अगर प्रिवेल करें और बहुत दिन तक प्रोलोंग करें तो इनके बिजनेसेस को एक हिट हो सकते हैं। तो गिवन द सिनेरियो और गिवन द सर्कमस्टेंसेस और जितने भी इनके फाइनेंशियल्स हैं उसको देख के लगता है कि कंपनी में एक हाई ट्रैजेक्टरी ग्रोथ में है और
कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा करेगी, अभी नहीं कर रही है लेकिन कंपनी में के फाइनेंशियल्स में बहुत अच्छे सुधार देखने को मिले हैं। मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए इस कंपनी के आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसे मैं आपको कुछ न कुछ चीजें हर हफ्ते आपको देते रहता हूँ, आपको केवल एक काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे को प्रोत्साहन देना है ताकि हम ऐसी वीडियो आपके सामने हमेशा देते रहें। थैंक यू।